हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोंगो ट्रेक। आज का वीडियो बजाज अपकमिंग बाइक बजाज डिस्कवर 125 वर्जन 2.0 के बारे में है। तो ये बाइक बजाज डिस्कवर 125 आती थी उसकी BS6 मॉडल है। ये बाइक काफी टाइम से डिसकंटिन्यू चल रही है, तो अभी बजाज की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है बजाज जल्दी डिस्कवर 125 की अपडेट वर्जन को लॉन्च करने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बाइक कब लॉन्च होगी, कितना प्राइस होगा, इस बाइक के अंदर क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलेगा। अगर आप भी नई बाइक परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना बाइक रिलेटेड अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजाज की तरफ से इंडियन टू व्हीलर मार्केट में डिस्कवर सीरीज में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलता था, डिस्कवर 100, डिस्कवर 125, डिस्कवर 150। बट पिछले साल बजाज डिस्कवर की सारे मॉडल को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में डिसकंटिन्यू कर दिया है। डिस्कवर की किसी भी बाइक BS6 नहीं लॉन्च किया गया है, बट ये बाकी देशों में बिक रही है। साथ में बजाज ने इस बाइक को काफ़ी अपडेट करके इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया है। हाल में बजाज ने बांग्लादेश और नेपाल में इस बाइक को लॉन्च किया है। कोलंबिया जैसे देशों में अभी भी ये बाइक बिक रही है। ये बाइक काफ़ी नई फीचर्स और काफ़ी सारे अपडेट के साथ लॉन्च होने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ये बाइक का लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। ये बाइक पहले से ज़्यादा बल्कि एग्रेसिव लुक के साथ आने वाली है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और इस मार्केट में मेनली कंपैरिजन होंडा की साइन हीरो के पैशन होने वाली है। पहले जो BS4 मॉडल आती थी उसमें काफ़ी सारे खामियां थी, लेकिन BS6 मॉडल में उन सब खामियां को दूर कर दिया है बजाज कंपनी ने। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन में आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल DDSi BS6 कॉम्प्लायंट इंजन देखने को मिलेगा। 12.8 PS का मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 9000 RPM पे। एलामानानम मैक्स टॉर्क जेनरेट करते हुए देखने को मिलेगा 7000 RPM पे। इसमें आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसमें ABS के जगह CBS देखने को मिलेगा। बाइक में आपको BS4 के कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल इंजन के साथ अच्छा खासा पावर देखने को मिलेगा। 125cc सेगमेंट के हिसाब से बाइक बेस्ट रहेगी। इस बाइक में टॉप स्पीड 110 km/h देखने को मिलेगा। बात करें लुक्स और फीचर्स के बारे में, तो फ्रंट में आपको हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलेगा। विंडशील्ड को पहले से छोटा कर दिया जाएगा। इसमें 5-स्पोक एलॉय व्हील कंपनी की तरफ से ऑफर की जाएगी। बैकलाइट भी हेलोजन देखने को मिलेगा। BS4 की कंपैरिजन में ये बाइक सिमिलर होने वाली है। लुक वाइज टैंक के ऊपर आपको एक काउल देखने को मिलने वाला है, जो कि इस बाइक का लुक्स को और भी एग्रेसिव करती है। BS4 में ये काउल नहीं आती थी। बात करें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो BS4 मॉडल जैसा मिलने वाला है। इसमें कंपनी किसी भी चेंज नहीं करने वाले हैं। सेम डिजिटल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिम मीटर, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, टाइम, ऐसे कई सारे बेसिक फीचर देखने को मिलेगा। इसमें 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। ओवरऑल हाइट 1078mm, 10 लीटर की फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। 50 से 60 km/l कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज। बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में, तो दोस्तों इस बाइक का जो एक्सपेक्टेड प्राइस एक्सरूम देखने को मिलेगा वो है 80,000 से 85,000 तक देखने को मिल सकता है। बात करें इस बाइक का लॉन्चिंग डेट के बारे में, अगले साल मिड के अंदर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो बजाज की तरफ से यही था छोटा सा अपडेट। आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, और चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।